गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कद्दू और साबूदाने की खीर। तो पीले वाले कद्दू की हम खीर बनाएंगे जो पका रहता है, तो हम उसकी खीर बनाने वाले हैं। तो चलिए, हम दूध बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक भगोने में करीबन 1 लीटर के करीब रेगुलर दूध ले लिया है, जो दूध वाले से आता है। आप फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, जो पैकेट वाला होता है, बिल्कुल आपकी मर्जी है। और बस अब हम इस दूध में बॉईल होने तक, इसको आने तक हम इसे पकाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तब तक हो रहा है, तब तक हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। और हम यहाँ पर करीबन 1 चम्मच के, बड़े चम्मच के करीबन यहाँ पर लेते हैं घी, और घी को गर्म होने तक। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे हम अपना जो ये कद्दू है, कद्दू को मैंने क्या किया है, उबाल लिया है 3-4 सीटी आने तक, काट के धो के उबाल के, और बस इसको हल्का सा हम घी में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम अपना पूरा कद्दू इसमें ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, जस्ट पानी है इसमें, कोई बात नहीं, हम इसका पानी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये कद्दू से निकला ही पानी है, तो यहाँ पे ये वेस्ट नहीं जाएगा और हम इसे यूज कर लेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे थोड़ा तेज कर लेते हैं गैस, और इसको अच्छे से एक, बस घी में थोड़ा सा भुन जाता है तो एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और आप लोग जानते ही हैं कि खीर में घी का फ्लेवर कितना अच्छा आता है। तो जस्ट ये कद्दू हमारा पूरा गला हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें 3-4 सीटियाँ लगा ली थी, और ये सच मानिए दोस्तों, एकदम घुल जाता है और बहुत ही अच्छा डेजर्ट बन के एक रेडी हो जाता है। आपके यहाँ गेस्ट आए, कोई भी आए, आप इसे झटपट बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और एक यूनिक चीज़ है, जो कि ये बेसिकली हैदराबाद की ये मेन डिश है। शादियों पार्टियों में हैदराबाद में ये ज़रूर बनती है, कद्दू और साबूदाने की खीर। तो जस्ट मैंने वहीं से इंस्पायर्ड होके ये बनाया है, और आप लोग भी बनाइए दोस्तों, क्योंकि मैं तो यूपी की हूँ और हैदराबाद की डिश ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी बनाना बनता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए, मैंने फ्रेंड्स कद्दू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, बस हमें जस्ट इसको फ्लेवर के लिए करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। अब इसको बस हम बंद कर देंगे गैस, और बस ये हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और बंद करके हम उसी दूध में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध हमारा यहाँ पे बॉईल हो चुका है, अब हम यहाँ पे अपने ये साबूदाना जो मैंने सोक करके रखे थे ओवरनाइट, और इसमें बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको रात भर के लिए छोड़ दिया था, और ये अच्छे से फूल चुके हैं, और देखिए एकदम एकदम अब दानेदार हो चुका है ये, और ये देखिए आसानी से फूट रहा है। और बस अब हम इसको इसी स्टेज पे अपने साबूदाने सारे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे साबूदाना इसमें ऐड कर दिए हैं, और भिगो के रख देते हैं ताकि इसमें जल्दी बन जाए फ्रेंड्स, और इतना आसान हो जाता है, अदरवाइज़ इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और बस अब हम इसी स्टेज पे अपना जो हमने फ्राई किया था अपना जो कद्दू, उसको हम इसी में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक येलो सा कलर सा आ गया है, जैसे जैसे हम अपने कद्दू को इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें फ्लेवर आ जाएगा, और घी का अपना एक फ्लेवर होता है, वो इसमें आ जाएगा, और हम लोग इसको ऐड कर देंगे। बस इसको थोड़ा बॉईल होने तक, साबूदाना पकने तक हम इसे पका लेंगे, बाकी ऑलरेडी कद्दू हमारा पका हुआ है। फिर हम इसको इसमें चीनी ऐड करेंगे, और छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है ना फ्रेंड्स, वही हम इसमें ऐड करेंगे, और बस हमारी खीर बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस इसमें बॉईल आने देंगे, और तब तक हम इसके लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, ना डालना चाहें तो ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं, अभी अगर डालना रहेगा तो मैं डाल दूंगी इसमें ऊपर से, जब हम सर्व करेंगे तो हम इसमें ऊपर से थोड़े ऐड कर देंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बॉईल आने तक का वेट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम यहाँ पे करीबन 1 चम्मच अपनी छोटी वाली इलायची ऐड कर रहे हैं, और ये मैंने इलायची अच्छे से ऐड कर दी है, और हमारी खीर ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने स्वादानुसार आप चीनी ऐड करिए, मैं यहाँ पे करीबन 6-7 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे
करीबन 7-8 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको जैसा मीठा पसंद हो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से चीनी ऐड करिएगा। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो मैं थोड़ा कम ही चीनी इसमें डाल रही हूँ। और चीनी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाद में अगर आपको लगे जब ये बन जाए तो आप इसमें पीसी चीनी यूज़ कर लीजिए, आपको कम ज़्यादा लगे तो। बाकी ये प्रोसेस ऐसे ही आपको फॉलो करनी है। बस हम इसमें कुछ धागे अपने केसर के डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ धागे केसर के ऐड कर रही हूँ। अब हैदराबाद की खीर है और केसर ना ऐड हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे जस्ट कुछ धागे अपने केसर के ऐड कर दे रहे हैं और इससे एक बहुत ही अच्छा कलर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बस अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए और रखते हैं, बाकी फिर हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये खीर हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है, साबूदाना एकदम गल चुका है और इसमें जितना दूध रेड्यूस होना था रेड्यूस हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ी देर रखते हैं, ठंडा करते हैं, ये अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी और आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इसके बाद अब हम इसमें इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और ये फ्रेंड्स हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स प्लेटिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये खीर बनके हमारी रेडी हो चुकी है, हमने इसे सर्व कर लिया है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। और इसे आप खाइए बनाइए और अपने कमेंट बिल्कुल भी ना भूलें देना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।